Myself, Nitin Singh, from Chanakya College of Education, Bettiya. इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देखा था. सूक्ष्म शिक्षण का क्या प्रत्यय है, इसका क्या अर्थ है, इसके कुछ डिफिनेशंस को भी देखा था. इसके बाद फाइनली हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण के एजिप्शन, इसका मतलब कि माइक्रो टीचिंग का एजिप्शन, मतलब सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताओं के बारे में देखा था. आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग. हमने इसके सिद्धांत को भी लिखा था, माइक्रो टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. सिद्धांत, पांच सिद्धांत थे, उसके हम लोगों ने चर्चा किया था. उसकी प्रक्रिया के बारे में देखते हैं, प्रोसीजर के बारे में देखते हैं, प्रोसेस के बारे में देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की क्या प्रक्रिया है. सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत विषय वस्तु अर्थात जो कंटेंट तो पढ़ाया जाना चाहिए, और कक्षा और लास्ट में अवधि. मतलब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत तीन बातें, कंटेंट, क्लास और टाइम, इन्हों तीनों को हम स्केल डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, सूक्ष्म करके बनाया जाता है. इसका मतलब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में ये तीनों बातें निहित होंगी. अर्थात कैसे एक इसके प्रक्रिया में, प्रोसेस में, एक टीचर, ट्रेन टीचर, ट्रेनर टीचर, जो शिक्षक उसको प्रशिक्षण दे रहा होता है, और एक छात्राध्यापक जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रशिक्षण ले रहा होता है, उसके बीच में इस प्रक्रिया को कैसे निष्पादित किया जाता है, उस बात को हम देखते हैं. एक फिगर के अनुसार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, इस प्रोसीजर को पूरा समझते हैं. इसमें दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट्स प्रशिक्षक अध्यापक, प्रशिक्षण अध्यापक जो अध्यापक प्रशिक्षण दे रहा होता है, एक छात्राध्यापक जो माइक्रो टीचिंग को सीख रहा होता है, या प्री सर्विस टीचर जो छात्राध्यापक शिक्षण की तमाम स्किल्स को सीख रहे होते हैं. इसका जो प्रशिक्षण अध्यापक का रोल होता है, पहले प्रस्तावना क्रम, इंट्रोडक्शन ऑर्डर. प्रस्तावना क्रम का मतलब किसी भी स्किल्स को सिखाने से पहले या उसको बताने से पहले हम उसको एक निश्चित सीक्वेंस में करते हैं, क्रम बनाते हैं. उस क्रम में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए उस स्किल का. जैसे हम मान लेते हैं पहला इंट्रोडक्शन स्किल की बात, इंट्रोडक्शन स्किल में क्या करना है, कैसे उसको सीक्वेंस बताएंगे. इंट्रोडक्शन स्किल्स में पहले हम इंट्रोडक्शन की आइडिया बताएंगे, इंट्रोडक्शन के क्या क्या डिजायरेबल अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं, उसके वांछनीय और अवांछनीय घटक क्या क्या हैं, और एक आदर्श लेसन प्लान हम प्रस्तावना इसके इंट्रोडक्शन स्किल का बताएंगे, और लास्ट में उसी आइडियल प्लान का हम आपको समालोचन करेंगे, आलोचन करेंगे. इस प्रकार से इसको हम एक व्यवस्थित क्रम में सब बिंदुओं को बताएंगे. ये एक प्रशिक्षक टीचर का कार्य होता है कि बच्चे को, छात्रों को, छात्राध्यापक को किसी भी स्किल्स के बारे में उसको पहले क्रम बताए सीक्वेंस में, और उस प्रस्तावना क्रम बताने के बाद उस शिक्षण कौशल का विकास कैसे किया जाए, उस शिक्षण कौशल का एक आदर्श प्लान दे, और अब उस आदर्श प्लान का शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक उसका आलोचना करे, इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई, कमियाँ को कैसे दूर किया जाए. इस प्रकार की प्रक्रिया जब किसी भी प्लान को सिखाने से पहले छात्राध्यापक के द्वारा किया जा रहा होता है, तो हम उसे प्रशिक्षण अध्यापक या प्रशिक्षण अध्यापक के कार्य के अंतर्गत लेते हैं. सेकंड प्रोसेस में छात्राध्यापक की बात आ जाती है. छात्राध्यापक इस स्किल्स को कैसे लेता है, इसको हम लोग देखते हैं. छात्राध्यापक इस बात को समझता है कि पहले इसमें कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाए. पाठ योजना का निर्माण जिसे अध्यापक ने बता रखा है, तो इस प्रकार से पाठ योजना का निर्माण करेगा पांचवें स्टेप में. उसके बाद जो पाठ योजना का निर्माण छात्राध्यापक किया हुआ है, उसका वास्तविक शिक्षण मान करके, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के रूप में उसका
शिक्षण कार्य करेगा, फिर उस पर अपना विचार क्रम करेगा। विचार विमर्श क्रम का मतलब कि अपने सहपाठियों के द्वारा उसका आलोचना करना या सहपाठियों शिक्षकों ने छात्राध्यापकों ने उस प्लान पर क्या अपने फीडबैक दिए हुए हैं उस बात को जानना, फिर उसी कमी को रिमूव करके पुनः पाठ का निर्माण करना और पुनः शिक्षण का क्रम करना, पुनः शिक्षण का क्रम बनाना और पुनः आलोचनात्मक की बात आती है। इस प्रकार के ये जो क्रम हैं छात्राध्यापक के क्रम को हम व्यवस्थित करते हैं कि पहले पाठ्य योजना का निर्माण करेगा छात्राध्यापक, फिर उसको वास्तविक शिक्षण के रूप में क्रियान्वित करेगा, फिर उसका आलोचना करेगा, पुनः पाठ का क्रम बनाएगा, पुनः पाठ निर्माण करेगा, पुनः उसका शिक्षण कार्य करेगा और पुनः उसका आलोचना होगा। ये जो प्रोसीजर्स हैं छात्र प्रशिक्षक शिक्षक का और छात्राध्यापक का, इसे हम सूक्ष्म शिक्षण के प्रक्रिया प्रोसेस के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, प्रोसीजर जानते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहने से एक बात समझ में आती है कि एक ऐसा कोई चक्र जो बार बार रिपीटेशन हो, चक्र करने का बात ही ना आता है कि एक बात किसी बात को रिपीट किया गया या रिपीटेशन हुआ हो। जैसे हम पहले किसी प्लान का योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसी कार्य को प्लान किया जाता है पहले स्टेप पे, उसके बाद प्लान करने के बाद जो प्लानिंग कर दिया गया लेसन का उसी पार्ट को सूक्ष्म शिक्षण किया गया और सूक्ष्म शिक्षण के बाद उसका आलोचना किया गया, फीडबैक दिया गया, उसी फीडबैक के आधार पर छात्राध्यापक फिर उसको रीप्लान करेगा। क्या है? इसी को रीलेसन प्लान, पुनः पाठ्य योजना का निर्माण किया, फिर पुनः शिक्षण का कार्य छात्राध्यापक ने किया, फाइनली फिर ये 4-5 ये 6 स्टेप्स हैं, फाइनली लास्ट में पुनः उसका आलोचनात्मक गया। ये 6 जो स्टेप हैं ये इसका एक साइक्लिक क्रम है, इसी क्रम में ये चलते रहते हैं। इट मीन्स कि किसी भी प्लान को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ये 5 प्रोसीजर जरूरी हैं, 6 प्रोसीजर जरूरी हैं, वो 6 प्रोसीजर एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। पहला पाठ योजना, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ये जो 6 स्किल्स हैं इस प्रकार से होने, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था पहली बार, सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था, उन्होंने क्या कालक्रम बना रखा था, सूक्ष्म शिक्षण की किन किन बातों को उन्होंने बना रखा था, किस क्रम में बना रखा था, उसका टाइमिंग क्या था, समझते हैं। इन्होंने जो उसका टाइमिंग बनाया था, शिक्षण चरण के लिए 5 मिनट का टाइम दिया, मूल्यांकन चरण के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया, पुनः पाठ निर्माण के लिए 15 मिनट का समय दिया गया, पुनः शिक्षण कार्य के लिए 5 मिनट का टाइम दिया गया, फिर लास्ट में जब मूल्यांकन करने की बात आई तो 10 मिनट का टाइम मेजर किया गया और फाइनली लास्ट में 45 मिनट का टाइम मेजरमेंट करके माप के अनुसार पहली बार सूक्ष्म शिक्षण की बात बनाई गई। पहले चरण में प्लानिंग किया गया, टीचिंग किया गया, फिर उसी टीचिंग का मूल्यांकन किया गया, फिर पुनः प्लानिंग किया गया, पुनः टीचिंग किया गया, पुनः मूल्यांकन किया गया। ये जो 5 स्टेप्स हैं, इस 5 स्टेप को 45 टाइम में डिवाइड किया गया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 एंड 10, 10, टोटली 45। ठीक, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब पहली बार कैलिफोर्निया में USA में 1967 में जब माइक्रो टीचिंग की बात वैज्ञानिक व्यवस्थित क्रम में सुनियोजित अभ्यास के क्रम में बनाने की बात की थी, उस समय का टाइम ड्यूरेशन है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस टाइम को समझते हैं, भारत में इसको कैसे माना जाता है या समझा जाता है, इसको इस प्रकार, छात्रों की संख्या को इस प्रकार मान लिया जाता है और इसमें इस बात को समझा जाता है कि जो छात्र की संख्या है वो 10 से 5,
छात्रों के प्रकार में वास्तविक स्कूल के छात्र छात्रावासी छात्राध्यापक छात्र या डीएड के छात्र भी हो सकते हैं। निरीक्षण या फीडबैक के काम में प्राध्यापक होंगे प्रशिक्षण टीचर या आपके साथी सहपाठी बीएड के छात्राध्यापक। इसकी टाइमिंग जो होती है स्वयं शिक्षण का 6 मिनट और इसमें कौशल की संख्या एक बार में केवल एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु में केवल एक ही शिक्षण बिंदु को एक टाइम में एक ही शिक्षण बिंदु को डिस्कशन किया जाता है। इस हिसाब से इसका टोटल टाइम जो मेजर किया गया 26 मिनट। हम देखते हैं 26 मिनट इस टाइप में आप देख चुके होंगे छात्रों की संख्या 10 से 5, छात्रों के प्रकार में सहपाठी छात्राध्यापक, फीडबैक देने के लिए अध्यापक होगा सहपाठी छात्राध्यापक भी हो सकता है, पाठ की अवधि 6 मिनट के लिए, एक टाइम में केवल एक कौशल सीखा जा रहा है, विषय वस्तु में कोई एक टॉपिक शिक्षण बिंदु को पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से 36 मिनट में से एक माइक्रो टीचिंग के प्लान को डिराइव किया जाता है, समझाया जाता है, देखा जाता है। अब इंडियन कंटिनेंट की बात करें, भारतीय परिपेक्ष प्रतिमान मॉडल की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन इस प्रकार है, जो शिक्षण के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ के लिए 15 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः फीडबैक के लिए 6 मिनट, टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 36। ठीक, इसका मतलब कि हम पूरे प्रोसीजर्स को 36 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं। शिक्षण के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, पुनः पाठ योजना के लिए 6 मिनट और देन शिक्षण फीडबैक फाइनली मिला के 36 मिनट में हम अपने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो टीचिंग के कुछ एडवांटेज, उसके क्या लाभ है। माइक्रो टीचिंग किया जा रहा है इसका क्या मतलब है, क्या कुछ एडवांटेज गेन हमको मिला, तो इसमें समझते हैं माइक्रो टीचिंग में गेन क्या हुआ। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण की प्रक्रिया सरल होती है, जाहिर सी बात है जिसका नाम ही सूक्ष्म है, इसका मतलब शिक्षण की प्रक्रिया से उसे सरल बनाया गया है और छात्राध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षण कौशल पर ध्यान देकर अपनी ध्यान को केंद्रित करते हुए विकसित करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इट मीन्स जो छात्राध्यापक होती है यहाँ पे केवल शिक्षण कौशल को अपनी योग्यता के अनुसार ध्यान केंद्रित करने की बात कहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात किया, वैयक्तिक भिन्नता के महत्व की बात को स्वीकारा हुआ है। दो छात्राध्यापक हैं, एक बात जानते हैं कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, इसका मतलब सभी बच्चे सभी छात्राध्यापकों के सीखने की गति डिफरेंट पाई जाती है, भिन्न पाई जाएगी। तो उस बेस पे भी बताया गया कि जो शिक्षण के एडवांटेज हैं इसमें व्यक्ति भिन्नता के महत्व को स्वीकारा है और छात्राध्यापक अपनी सीखने की गति के अनुसार नए स्किल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, फीडबैक संपूर्ण व सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। इसकी जो फीडबैक होती है वो इसका मूल कंपोनेंट होता है, फीडबैक ही ऐसा रोल है जो इसको एडवांटेज करता है, बनाता है। अच्छा, इसमें फीडबैक से ही हम इम्प्रूव करते हैं और फिर इम्प्रूव करके अपने स्किल्स, इसने प्लानिंग टीचिंग फीडबैक, उसके बाद रीप्लानिंग रीटीचिंग रीफीडबैक, रीप्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, फीडबैक से, अर्थात जो हमें प्रतिपुष्टि मिली, प्रतिपुष्टि ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया को उन्नति बनाती है। यदि उसकी फीडबैक ही न दिया जाए तो माइक्रो टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं होगा। नेक्स्ट में बताया गया कि सूक्ष्म शिक्षण में कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण है छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, इसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ऐसा, देखिए इसका डिस्कशन रिलायबिलिटी वैलिडिटी वैल्यूएशन इसका चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ दिया गया इसका क्या तात्पर्य है। देखिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से तात्पर्य, जैसे हम लोग जो परीक्षाएं देते हैं एक सब्जेक्टिव फॉर्म में एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जैसे वन डे एग्जाम,
जिस मार्कशीट पे जिसका मूल्यांकन किया जाता है। और सब्जेक्टिव एग्जाम जो हम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं या आप लोगों ने जो अभी लेटेस्ट इंटरनल एग्जाम कॉलेज में दिया, ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इवेल्यूशन हुआ। इसका ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का इवेल्यूशन होगा, इसका वैल्यूएशन सब्जेक्टिव वैल्यूएशन। और जो वन डे एग्जाम ओमार बेस पे एग्जाम दिया जाता है, जैसे सीईटी की परीक्षा, टीईटी की परीक्षा, बीटीटी की परीक्षा, नीट की एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा, जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम हम देते हैं, एनटीए नेट का परीक्षा, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन की बात करते हैं। इसमें होता क्या है, व्यक्ति विशेष, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन में व्यक्ति विशेष, स्थान और विशेष समय का मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सब्जेक्टिव में पड़ता है। यहाँ पे केवल इतना ही समझिए कि माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापक के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात छात्र अध्यापक का ऐसा मूल्यांकन किया जाता है जिस पे किसी व्यक्ति विशेष स्थान का प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट, मूल्यांकन में छात्र अध्यापक अपना पक्ष रखते हुए रखने का अधिकार पूर्ण होता है, मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। मूल्यांकन चरण में ये भी बात बता रहा है कि छात्र अध्यापक को सक्रिय रूप में रखा जाता है और उसकी बात को महत्व दिया जाता है, उसका पूरा अधिकार होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग ले सके। नेक्स्ट, निरीक्षण छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, जो ऑब्जर्वेशन का छात्र अध्यापक होता है, जो हमारा साथी सहपाठी मूल्यांकन ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, वो हमें परामर्श देता है, तो उसे परामर्शदाता के रूप में भी हम कह सकते हैं कार्य करता है। अर्थात छात्र अध्यापक ही दूसरे छात्र अध्यापक का जब मूल्यांकन करता है तो छात्र अध्यापक को परामर्शदाता के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक की जटिलताओं को कम करता है, इसका लाभ ये भी है कि ये शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, एडवांटेज है माइक्रो टीचिंग का। जाहिर सी बात है, सूच की बात है, जो बड़ी बड़ी शिक्षण की इतने स्किल्स को हम एक साथ जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम किसी एक स्किल को सीख रहे होते हैं तो उसकी जटिलताएं कम हो जाती हैं। नेक्स्ट, छात्र इससे अर्थात माइक्रो टीचिंग से छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब छात्र अध्यापकों में शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास को पैदा करता है माइक्रो टीचिंग, ये इसके एडवांटेज हैं। शिक्षण विधि छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है, ये भी शिक्षण विधि कम टाइम में अधिक सिखाती है, इसलिए इसका ये एडवांटेज है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन का मतलब सीमाएं, पर सीमाएं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसमें सूक्ष्म शिक्षण में के चक्र और इसके टाइम पीरियड, कौन से स्किल्स को कितने टाइम, टीचिंग प्लानिंग को कितने टाइम, टीचिंग को कितने टाइम और इसको कितने टाइम में हम अराइव करते हैं, इन सब बिंदुओं को देखे। और इसमें ये भी हम देखने का प्रयास किए कि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम लोगों ने इसमें ये भी समझा कि इसमें क्या क्या इसका सर्कल है, इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है, इसका क्या भारतीय प्रतिमान के रूप में इसका क्या टाइम ड्यूरेशंस है और इसमें क्या कैसे हो सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिमिटेशंस के बारे में, यूज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।